Hello friends and welcome to my second lecture of company law. First lecture में मैंने company के definitions and about the companies and meaning of the company के बारे में बताया. इस second lecture में हम लोग important features of the company law को cover करेंगे. So what are those important features? सबसे पहला जो important feature हम लोग discuss करते हैं यहाँ पे, ये है an incorporated association. इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिख रखा है, रजिस्टर्ड. सो रजिस्टर्ड मतलब कोई कंपनी है वो कब एग्जिस्टेंस में आती है. वो कभी कोई कंपनी एग्जिस्टेंस में तब आती है व्हेन इट इज़ हैविंग रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट. यहाँ पे मैं कंपनी एक्ट 2013 की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके पहले भी अगर कंपनी एक्ट 1956 में भी उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है देन इट विल आल्सो बी अ कंपनी. यानी व्हेन ए कंपनी विल कम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली व्हेन इट हैज़ बीन रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013. बट लेकिन जो तो दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है दैट इज़ अबाउट द स्टैचुटरी कॉरपोरेशन. वाट इज द फर्स्ट कंपनी, कंपनी की एग्जिस्टेंस के बारे में मैंने बताया. उसी कंपनी की एग्जिस्टेंस तभी मानी जाएगी व्हेन इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर एनी कंपनी एक्ट. मैंने कंपनी एक्ट 2013 की बात नहीं की है, उसके पहले के कंपनी एक्ट में भी अगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ देन इट विल आल्सो बी नोन एज अ कंपनी. नाउ सेकेंड पॉइंट है स्टैचुटरी. स्टैचुटरी क्या कहता है हमारा, स्टैचुटरी मीन्स स्टैचुटरी कॉरपोरेशन. व्हेन स्टैचुटरी कॉरपोरेशन इज फॉर्म व्हेन अ कमेंस अ बिजनेस इज नोटिस और स्टार्टेड. जब कोई बिजनेस नोटिस किया जाता है या स्टार्टेड किया जाता है किसके अकॉर्डिंग, अंडर कंपनी एक्ट 2013. यानी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज नोटिस और स्टार्टेड अंडर कंपनी एक्ट 2013, दैट इज फॉर द स्टैचुटरी कॉरपोरेशन. यानी कि एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट फीचर है. इसमें हमने बताया कि कंपनी के बारे में, कंपनी का एग्जिस्टेंस तभी माना जाएगा व्हेन एवर इट इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट एंड द बट. लेकिन स्टैचुटरी कॉरपोरेशन तभी फॉर्म मानी जाएगी व्हेन इट कमेंस अ बिजनेस आर नोटिफाइड इज बिजनेस अंडर कंपनी एक्ट 2013. समझ में आ गया. एंड कंपनी एक्ट 2013 कैसे पास हुआ है, तो स्टैचुटरी क्यों है, ये वैधानिक क्यों, व्हाई इट इज स्टैचुटरी. स्टैचुटरी बिकॉज इट इज पास बाय लॉ, इसका लॉ बन गया. तो कंपनी एक्ट 2013 इज व्हाट, कंपनी एक्ट 2013 इज अवर कंपनी लॉ, वी कैन से राइट. सो इट कम्स एंड इन बिगेन फ्रॉम डेट इज मैंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन. यानी कि आपका बिजनेस कब से स्टार्ट हो रहा है, वैन यू स्टार्टेड द कंपनी, ये आपके जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है उसमें उसकी कमेंसमेंट डेट मैंशन होगी. इसके हिसाब से कंपनियाँ दो तरह की होती हैं, टू टाइप्स ऑफ कंपनीज बेसिकली. वन इज द प्राइवेट कंपनी एंड अनदर वन इज द पब्लिक कंपनी. तो प्राइवेट कंपनी की जो डेफिनेशन दी गई सेक्शन 268 में, ये डिफाइन किया गया है, देर आर टू मीन्स अंडर द प्राइवेट कंपनीज आर अंडर सेक्शन 268 में डिफाइंड है और पब्लिक कंपनीज को सेक्शन 271 में डिफाइन किया गया है ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में. सेक्शन 12 हमारा ये बताता है ऑफ दिस एक्ट डिस्क्राइब दैट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे कितने हो सकते हैं. तो सेक्शन 12 के हिसाब से प्राइवेट कंपनी में हमारे जो मिनिमम नंबर मेंबर्स हो सकते हैं वो 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो होते हैं 50 हो सकते हैं. और पब्लिक कंपनी में जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं वो 7 होंगे और पब्लिक कंपनी में गिव मी अ सेकंड. ओके, सो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है एंड इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन में हमने क्या डिस्कशन किया है, कंपनी का एग्जिस्टेंस केवल तभी आता है जब वो कंपनी रजिस्टर्ड होती है किसी भी कंपनी एक्ट के अंदर और वो स्टैचुटरी कब कही जाएगी, जब उसका रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट 2013 के अंदर हुआ हो. यानी कंपनी एक्ट 2013 क्योंकि रजिस्ट्रेशन हमारे पास हुआ है. एंड हमने ये डिस्कस किया कि ये कंपनी दो तरीके की हो सकती है, कंपनी प्राइवेट कंपनी हो सकती है और
पब्लिक कंपनीज होती है, प्राइवेट कंपनी अंडर सेक्शन 268 के अकॉर्डिंग एंड पब्लिक कंपनी अंडर 271 के अकॉर्डिंग। एक और पर्सनल वी विल डिस्कस इट लेटर, पर्सनल वन मैन कंपनी उसको हम लेटर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 12 हमें क्या बताता है, विच डिस्क्राइब दैट द प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर रख सकते हैं और पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर, कितने मेंबर बताए बताओ। हाँ, प्राइवेट कंपनी में 2 मिनिमम और मैक्सिमम कितने, 15, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, हाँ राइट, 7, और पब्लिक कंपनी कैन बी हैविंग द अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसी में आता है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, यहाँ नहीं लिखा है मैंने बोर्ड में, आप लोग नोट डाउन कर लो, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अब आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का क्या मतलब होता है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है कि जैसे कंपनी इज एन आर्टिफिशियल नॉट अ नेचुरल पर्सन। कंपनी एक केस आता है भाई कि अगर कंपनी को आपने बोला है कि कंपनी कैन बी एक्ट एज ए लीगल एंटिटी, लीगल पर्सन है कंपनी, तो कंपनी अगर लीगल पर्सन है तो इसके फंडामेंटल राइट्स भी होंगे, नहीं। तो यहाँ पे ये बताया गया कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं है। तो चूंकि ये नेचुरल पर्सन नहीं है, देयरफॉर कंपनी इज नॉट अ सिटीजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट शुड बी नोटेड डाउन लाइक कंपनी इज नॉट एन नेचुरल पर्सन, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, एंड इट इज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड इट इज नॉट अ सिटीजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसके कोई भी कंपनी के फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे। इसके केस है ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस CTO 1963 AIR सुप्रीम कोर्ट 1811। AIR का मतलब होता है ऑल इंडिया रिकॉर्डेड, ठीक है। ये केस नोट डाउन कर लीजिए, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस CTO 1963। देखो केस रेफरेंस लिखने में नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं, तो आप लोग केस रेफरेंस प्लीज़ ज़रूर मेंशन कर दीजिए अगर आपको याद हो तो। इसलिए मैं बहुत ही शॉर्ट में मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा ही बताया ताकि आपको याद रहे, और बहुत ही बुलेट पॉइंट लाइक रजिस्टर्ड, व्हाट इज एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है उसका रजिस्ट्रेशन होना, स्टैचुटरी का मतलब क्या हुआ, कितने प्राइवेट 266-68 के अंतर्गत आती, पब्लिक का मतलब 271, राइट, और प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर हो सकते हैं, पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर, ये सेक्शन 12 में डिफाइन किया गया है। प्राइवेट में कितने मिनिमम मेंबर हो सकते हैं और पब्लिक में कितने मिनिमम हो सकते हैं, प्राइवेट में कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, पब्लिक में कितने मैक्सिमम हो सकते हैं। तो दीज आर कम्स अंडर द इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच मीन द रजिस्टर्ड कंपनी, रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट्स आता है जो मैं एक लिख सकती हूँ, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मतलब कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इट्स नॉट अ नेचुरल पर्सन। अगर नेचुरल पर्सन हो गए तो क्या होगा, तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स है ना, वो कहे वो ब्रीच हो गए, तो कोई कहेगा कंपनी के फंडामेंटल राइट ब्रीच हो सकते हैं, नहीं, कंपनी के फंडामेंटल राइट कोई भी नहीं होते बिकॉज इट एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो इसके केस है स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेज CTO 1963 AIR मतलब ऑल इंडिया रिकॉर्डेड सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो कंपनी डज नॉट पॉजिस एनी फंडामेंटल राइट्स, कंपनी के कोई भी फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं। टैक्सेशन के लिए क्या होगा फिर, टैक्स के तो फंडामेंटल राइट्स नहीं है कंपनी के पास, कोई भी कंपनी कोई नेचुरल पर्सन है, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, फिर कंपनी टैक्स क्यों भरेगी। तो कंपनी हैज़ द राइट टू इंटर इन द फॉर द टैक्सेशन एंड अदर पर्सन कंपनी इज कंसिडर्ड एज अ रेजिडेंट, यानी टैक्सेशन के लिए और बाकी पर्पस के लिए कंपनी को एज अ रेजिडेंट यानी कि रेजिडेंट माना जाएगा, ठीक है। कंपनी हैज़ अ राइट टू इंटर इन टू ए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेटरी विद अदर पार्टीज, कंपनी के पास राइट है कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट करे बाकी पार्टीज, तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी तो कंपनी का बिजनेस कैसे चलेगा, राइट। तो कंपनी के पास क्या राइट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने के राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के, कंपनी कैन एक्वायर अदर कंपनीज, कैन एक्वायर सम प्रॉपर्टी, अपने नाम पर कंपनी कोई प्रॉपर्टी ले सकती है, किसी थर्ड पार्टी को कोई प्रॉपर्टी दे सकती है, किसी को सू कर सकती है और किसी से सू हो भी सकती है, ऑल पावर्स ऑफ द कंपनी। तो ये कंपनी में क्या इफ इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी तो बोल सकते हैं कि इट्स नॉट अ लिविंग कंपनी, लिविंग तो लिविंग बॉडी तो है नहीं, तो हु विल एक्ट, तो कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल बी एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी,
जितने भी लीगल केसेस होंगे वो कौन करेगा, कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड नोट कर लीजिए इसको, लीगल केस है बेट्स वर्सेस स्टैंडर्ड लैंड कंपनी, बेट्स वर्सेस स्टैंडर्ड लैंड कंपनी, जहां पे ये बोला गया इस केस में कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर कंसीडर्ड एज अ ब्रेन ऑफ द कंपनी। किस केस में बोला गया है? बेट्स वर्सेस स्टैंडर्ड लैंड कंपनी, बेट्स वर्सेस स्टैंडर्ड लैंड कंपनी, BATES, बेट्स वर्सेस स्टैंडर्ड लैंड कंपनी 1910। बोला गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर कंसीडर्ड एज अ ब्रेन ऑफ द कंपनी। तो आपका दूसरा पॉइंट आर्टिफिशियल लीगल पर्सन ऑफ द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। फर्स्ट मैंने बताया एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, सेकेंड कंपनी इज अ लीगल आर्टिफिशियल पर्सन, सॉरी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। नाउ कम्स टू द थर्ड पॉइंट, इंडिपेंडेंट और सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी क्या है? इंडिपेंडेंट है, यानी थर्ड फीचर क्या हुआ, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि आफ्टर बीइंग इनकॉर्पोरेशन अंडर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेटेड होने के बाद कंपनी विल बिकम द इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी। इट एंटिटी इज ऑलवेज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, देयर इज अ लिटिल, क्या बोलते हैं उसको, देयर इज अ लिटिल वेल, लिटिल वेल बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। अभी मैं बताऊंगा कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल उसका मतलब क्या होता है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल या पायरेसिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या होता है, यानी कि देयर इज अ लिटिल वेल बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स, कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में एक लिटिल वेल होती है, ये है आपकी कंपनी और ये है कंपनी के मेंबर्स, राइट। जैसे कि रिलायंस कंपनी है और रिलायंस कंपनी में ये मेंबर्स हैं, तो इनके बीच में एक लिटिल वेल होती है, ये लिटिल वेल जो होती है वो आइडेंटिफाई करती है कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि कंपनी के अगर वैसे तो कंपनी को एक एज ए कंबाइंड माना जाएगा, कंपनी को एक एज ए कॉर्पोरेट बॉडी माना जाएगा, तो कंपनी के अंदर क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ब्रेन चलता है, लेकिन अगर किसी ने भी निगेटिव मेंटालिटी के अंदर कोई काम किया है तो वो कॉर्पोरेट वेल को उठाने की जरूरत पड़ती है, दैट कॉर्पोरेट वेल नीडेड टू बी लिफ्टेड एंड कोर्ट विल फाइंड आउट द रियलिटीज, कोर्ट को रियलिटी फाइंड आउट करने की वहाँ पे जरूरत होती है, तो दैट इज नोन एज द लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, दैट इज अ सेपरेट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो अब अभी तो हम केवल इतना ही डिस्कस कर सकते हैं, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी से सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसका मतलब देर इज अ थिन वेल बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंड कंपनी इट्सेल्फ, राइट। कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत, मतलब कंपनी बिकम्स एन इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी एंड इट एंटिटी ऑलवेज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। आफ्टर रजिस्ट्रेशन द एसोसिएशन ऑफ पर्सन बिकम अ बॉडी कॉर्पोरेट बाय द नेम एंड कंटेन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA। दो दो कंसेप्ट कंपनी का हमें पढ़ेंगे, MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो MOA में एक बार आपकी रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन बिकम द बॉडी कॉर्पोरेट एंड नेम कंटेन इन द, उनका जो नेम है एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो लोग हैं उनका नेम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डाल दिया जाता है कि दीज आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, फाउंडेशन मेंबर। एक केस है इसमें सोलेमन वर्सेस सोलेमन एंड कंपनी का, सोलेमन एंड वर्सेस सोलेमन एंड कंपनी का ये केस भी आप लोग इसमें लिख सकते हो, सोलेमन वर्सेस सोलेमन एंड कंपनी। तो हर किसी पॉइंट में मैंने थोड़े थोड़े केस बताए हुए हैं और बहुत ही सिंपल वर्ड से बताएं, तो ये थोड़ा थोड़ा याद रखोगे देन यू विल गेट वेरी गुड स्कोरिंग मार्क्स। तो नाउ पॉइंट नंबर, यहाँ पे तो पॉइंट नंबर 3 है लेकिन वैसे मैंने 3 पॉइंट बता दिए, तो फोर्थ पॉइंट होगा ये, कंपनी इज हैविंग द परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ, परपेचुअल सक्सेशन मतलब कि इट इज हैविंग वन अम्ब्रेला, और ये अम्ब्रेला क्या होगा उसके सक्सेशन का, यानी कि पीपल विल कम एंड गो बट कंपनी विल ऑलवेज, कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होगा, ऐसा नहीं होगा कि कंपनी का फाउंडर या कंपनी का कोई बंदा है वो नहीं रहा तो कंपनी ख़त्म हो जाएगी, कंपनी विल ऑलवेज गोइंग ऑन विद इट्स परपेचुअल सक्सेशन, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से जो भी होगा वो उस कंपनी में
परपेचुअल सक्सेशन में सेकंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसकी जगह को ले लेगा, राइट। सो कंपनी गोज फॉर एवर, इसका मतलब ये हुआ। अब नाउ थर्ड पॉइंट है कंपनी सी, परपेचुअल सक्सेशन में अब कंपनी की सील के बात करते हैं। सील मतलब स्टैंपिंग ऑफ द कंपनी, स्टैंपिंग मतलब जहाँ से वो कंपनी डील करती है, यानी कि कंपनी एक आर्टिफिशियल, क्योंकि कंपनी क्या है इस समय, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि ये अपना एक्ट जो है वो नेचुरल पर्सन की तरह ही नहीं कर सकती, इसका एक्ट कौन करेंगे, जो कंपनी के फाउंडर डायरेक्टर्स होंगे, दैट दे विल एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ दिस, ठीक है। इट प्रोवाइड द कंपनी शैल यूज द कॉमन सील, और वो ये कहते हैं कि नेचुरल पर्सन जो इसके होंगे, जो दोज आर द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, एंड दे प्रोवाइडेड द, इट इज़ प्रोवाइडेड द कॉमन सील टू यूज फॉर द कंपनी पर्पस, ठीक है। कोई भी ट्रांजेक्शन है या कुछ भी है, अगर कंपनी की सील लगी हुई है, देन इट इज़ अ वैलिड ओनली फॉर द कंपनी एंड दैट कैन बी सूड ऑन बिहाफ ऑफ देम। तो कंपनी की अपनी खुद की कॉमन सील होगी विच इज़ यूज एज अ सब टाइटल फॉर इट्स सिग्नेचर, जो एक सिग्नेचर की तरह काम करेगी। आप बैंक में जाते हो, साइन करते हो, तो दैट इज़ योर आइडेंटिटी। इसी तरह कंपनी की आइडेंटिटी क्या है, उसकी कॉमन सील। कॉमन सील शुड बी इंग्रेव्ड इन अ मेटल एंड हैंस मियर रबर शेप, इट इज़ नॉट अ, ये इनग्रेड होता है किसी मेटल में। सो अंडर सेक्शन 12 ऑफ दिस कंपनी एक्ट 2000 प्रोवाइड दैट द नंबर ऑफ कंपनी शैल बी इनग्रेव इन अ लायबल कैरेक्टर ऑन इट्स कॉमन सील, राइट। डिफॉल्ट इन द रिगार्ड्स इन्वॉल्व्स पेनाल्टी अप टू 5000, मतलब मीन्स अगर कोई डिफॉल्ट हो गया, कोई पेनाल्टी लगी, तो 5000 की पेनाल्टी इस पर लगाई जाएगी। Now comes to the limited liability. Limited liability company और उसके members के बीच में limited होती है liability. Members are limited up to share in the company. Member के जितने share होंगे वो उसी shares पे limited रहेंगे. Whenever the company will be go for the winding up, तो वो अपने members को share उतने लेके member अपना अलग हो सकता है। Now separate property, company is a separate property, company जिस दिन incorporate हुई थी उसी दिन से वह एक separate legal entity हो चुकी है, तो company अपने नाम से किसी को भी sue कर सकती है और किसी के नाम से भी sue हो सकती है। तो point number 6, company is a separate property. So these are the various characteristics of the, are important features for the company. Now companies जो corporate veil की बात करते हैं, यानी कि अब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, कॉर्पोरेट वेल क्या है और उसको कैसे, हाउ इट इज टू बी लिफ्टेड। तो कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में एक बहुत थिन वेल होती है, ये इसको हम वेल बोलते हैं, कंपनी और उसके मेंबर के बीच में बहुत थिन वेल है, और ये वेल जो है वो उसके मेंबर्स को उस कंपनी से सेपरेट कर दी। जैसे रिलायंस और उसके मेंबर्स हो गए, तो रिलायंस और उसके मेंबर्स के बीच में बहुत थिन वेल ये उसको उसके मेंबर से सेपरेट करती है। तो दिस इज़ फॉर द पॉजिटिव कंजम्पशन, क्योंकि कोई नेगेटिव डेफिनेशन नहीं, इसकी कॉर्पोरेट वेल की बहुत पॉजिटिव डेफिनेशन दी गई है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने इंटेंशनली गलत काम करने की कोशिश की है, तो उस केस में क्या कंपनी को कॉर्पोरेट बॉडी माना जाएगा, बताओ। अगर मेंबर ने इंटेंशनली कुछ गलत करने का उसके माइंड में हो कि वो कुछ गलत करना चाह रहा हो, तो जिसने गलत किया है उसको ही सजा दोगे ना, कंपनी को थोड़ी पकड़ोगे तुम कि भाई ये इस बंदे ने गलत किया है, उसके लिए कंपनी को पकड़ लिया आपने, नहीं। तो इस केस में क्या होगा, जैसे मान लो एग्जांपल देते हैं, किसी ने टैक्सेशन में फ्रॉड किया, कंपनी आपके लिए टैक्स भरेगी, आप अपना टैक्स डिक्लेयर ही गलत कर रहे हो, राइट। टैक्स डिक्लेरेशन में आपने कोई फॉल्ट करी है या कोई आपने गलत डॉक्यूमेंट, गलत एविडेंस दिए, तो क्या कंपनी को उसके लिए पकड़ा जाएगा, नहीं, आपको पकड़ा जाएगा। फ्रॉड एक्टिविटीज़ के लिए लीगल ऑब्लिगेशंस है, बोनस है, राइट, उसके लिए किसको पकड़ा जाएगा, कुछ भी गलत किसी इंडिविजुअल ने किया है उसको पकड़ा जाएगा। अल्ट्रा वायरस एक्ट कौन से होते हैं, वर्क बियॉन्ड द पावर ऑफ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर ही नहीं है, लेकिन वो फिर भी साइन किया जा रहा है। तो दीज आर अल्ट्रा वायरस एक्ट। तो इस केस में क्या है, कंपनी को क्या जरूरत पड़ती है, कंपनी नीडेड टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल और पायरेसिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल टू आइडेंटिफाई द रियलिटीज। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूँ आपको, कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, पर कंपनी को क्या माना गया, एक आर्टिफिशियल पर्सन माना गया है। व्हाट इज कंपनी, कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन माना गया है, और कंपनी में, कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन,
और पर आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कैन नॉट एक्ट ऑन इट्स ओन, कंपनी अपने बिहाफ पे कुछ भी नहीं कर सकती, कौन करेगा, जो उसके माइंड है, उसके नेचुरल माइंड कौन है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इट कैन ओनली एक्ट थ्रू आउट द नेचुरल पर्सन्स, नेचुरल पर्सन्स जो भी उसके बोर्ड डायरेक्टर्स कहेंगे वो कंपनी करेंगे। तो व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी ऑफ अ कंपनी, ऑन दिस होल लॉ ऑफ कॉर्पोरेशन इज बेस्ड, कॉर्पोरेशन का जो होल लॉ है वो किस बेसिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कॉर्पोरेट एंटिटी पे, कॉर्पोरल एंटिटी जो है उस पर तुम्हारी ये पूरी थ्योरी, पूरी की पूरी थ्योरी बेस्ड है। वेयर द लीगल एंटिटी ऑफ अ कॉर्पोरेट बॉडी इज मिस यूज, जहाँ पे मिस यूज होता है लीगल एंटिटी का कॉर्पोरेट बॉडी की, जहाँ पे भी कॉर्पोरेट बॉडी की लीगल एंटिटी का कहीं पे भी मिस यूज होता है, फॉर किस लिए, फ्रॉड के पर्पज से, एनी डिसऑनेस्ट पर्पज। तो डेफिनेशन आप लिख लीजिए, वेयर द लीगल एंटिटी ऑफ कॉर्पोरेट बॉडी इज मिस यूज फॉर द फ्रॉडलेंट एंड डिसऑनेस्ट पर्पज, इंडिविजुअल कंसर्न्ड विल नॉट बी अलाउड, जो भी इंडिविजुअल है कंसर्न विल बी नॉट बी अलाउड टू टेक शेल्टर बिहाइंड द कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, इंडिविजुअल जो पर्सन है ही शुड नॉट अलाउड टू बी शेल्टर बिहाइंड द कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कुछ कर दिया और आप बोले कि नहीं कॉर्पोरेट ने किया क्योंकि आप कॉर्पोरेट के मेंबर हो, केस रिलायंस को जाना चाहिए क्योंकि ये रिलायंस के मेंबर ने गलत काम कर, नहीं, हु द पर्सन, तो इस केस में क्या होगा, जिसने गलत काम, माइंड मीन्स फ्रॉड इंटेंशन, जिसकी फ्रॉड है या डिसऑनेस्ट के पर्पज से कोई काम किया गया, तो इंडिविजुअल को शेल्टर नहीं किया सकता कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के लिए। तो लिखो, इन दिस केस कोर्ट विल अप्लाई पायरेसिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल और लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल, इग्नोरिंग द सेपरेट एंटिटी ऑफ द कंपनी एंड लुकिंग इन टू द रियलिटीज, ये सेपरेट एंटिटीज को इग्नोर कर देगी और लुकिंग इन टू रियलिटीज, रियलिटीज को देखेगी। तो समझ में आ गया, जहाँ पे कहीं भी इंटेंशन किसी पर्सन की गलत है या वो गलत काम करना चाह रहा है, तो उसने इंटेंशनली कुछ गलत किया है, तो इस केस में कंपनी की, कंपनी कॉर्पोरेट बॉडी तो है बट कोर्ट क्या करेगी, रियलिटीज़ भी देखेगी, कॉर्पोरेट वेल को ऊपर उठाएगी, यानी पर्दा थोड़ा सा, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस है कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में, ये वेल जो है, ये जो कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो कंपनी, तो ये वेल जो है यहाँ पे उठ जाएगी और यहाँ पे इंडिविजुअल की रियलिटीज़ को कोर्ट पता लगाएगा कि क्या गलत हुआ है। जैसे एक केस है सोलेमन वर्सेस सोलेमन एंड कंपनी में, अब देखो भाई सोलेमन क्या था, सोलेमन एक बिजनेसमैन है, राइट, अपना खुद का एक व्यापार कर रहा है, बूट का व्यापार है उसका, शूज का, और उसके पास एनफ एसेट्स हैं उसके लिए, नाउ उसने सोचा कि अपने बिजनेस को बड़ा करते हैं, अपने उसने बिजनेस को बड़ा करने के लिए उसने कंपनी बनाई, कंपनी बनाने के लिए उसने क्या किया, उसने एक MOA साइन किया, उसने MOA में 7 लोगों ने पूंजी लगाई, 7 लोग उसके सब्सक्राइबर बन गए, 7 लोग कौन कौन से, सोलेमन, उसकी वाइफ, उसकी डॉटर और 4 लड़के, ये अब उस कंपनी के मेंबर बन गए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके कौन बने, सोलेमन और उसके 2 लड़के। सोलेमन ने अपना व्यापार इस कंपनी को £40,000 में बेच दिया, जो सोलेमन का शूज़ का, बूट शूज़ का बिजनेस था, उसने अपनी कंपनी बनाई, वो खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन गया, और उसने अपने खुद ने और 2 लड़कों को, अपने 2 लड़कों को उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया, और 7 लोगों को, सोलेमन, उसकी वाइफ, डॉटर और 4 लड़के उसकी मेंबर बन गए उस कंपनी के। अब उसने क्या किया, अपना व्यापार इस कंपनी को £40,000 में सेल कर दिया, उसका जो भी बिजनेस था। अब उसने कंपनी को सेल तो कर दिया, लेकिन उसने कंपनी से कोई भी कैश पैसा नहीं लिया। उसने क्या किया, कंपनी ने सोलेमन को भुगतान के लिए 1-1 पाउंड के £20,000 के फुल्ली पेड शेयर दिए, यानी 20,000 पाउंड के फुल्ली पेड शेयर्स मिले, 10,000 पाउंड का जो उसका डिबेंचर जारी किया, डिबेंचर मतलब ऋण होता है किसी कंपनी पे, तो उसने 10,000 जो कंपनी वाइंड अप होती है तो कंपनी को उसका डिबेंचर, उस जो जो भी शेयर होल्डर है उसका डिबेंचर का वापस करना पड़ता, तो सोलेमन को 10,000 का डिबेंचर पाउंड कंपनी ने दिया, और रिमेनिंग 10,000 कंपनी के पास एक पाउंड छोड़कर शेष अपने पास रखा ताकि वो ऋणों का भुगतान कर सके। अब जो है वो 40,000 का इस तरह से कंपनी के ऊपर क्रेडिट था। नाउ कंपनी को डिस्पोज होना पड़ा, कंपनी के पास जो टोटल एसेट थे 600 पाउंड के और 17,000 पाउंड की उसकी लाइबिलिटीज थी, जिसमें से उसको 10,000 सोलेमन को चुकाने थे ऋण के रूप में, और रिमेनिंग 7,000 पाउंड जो थे वो अनसब्सक्राइबर्स को और क्रेडिटर को भुगतान करने थे। सोलेमन को भुगतान करने के बाद कंपनी के पास कुछ भी नहीं बच रहा था, यानी कि अनसब्सक्राइब्ड क्रेडिटर्स ने ये बोला कि भाई ऐसा है, इसको धन भुगतान तो कर
कर रहे हो, लेकिन लेकिन ये कंपनी तो सोलेमन की खुद की कंपनी है और स्वतंत्र रूप से कभी सोलेमन की कंपनी अस्तित्व में स्वतंत्र रूप से कभी आई नहीं, तो कंपनी एंड सोलेमन तो एक ही है बिकॉज कंपनी तो सोलेमन की है। और कोई खुद का ऋण डिबेंचर कैसे ले सकता, कोई खुद का ऋणदाता कैसे हो सकता, हाउ कैन बी क्रेडिटर फॉर मीन्स डेप्टर, कोई कोई अपनी डेप्ट कोई कंपनी को कोई खुद को ऋण कैसे दे सकता, हाउ कैन बी डेप्ट फॉर हिमसेल्फ। तो कंपनी के ये जो केस था, इस केस में सोलेमन कंपनी को स्वतंत्र अस्तित्व था कि जो उसके सदस्यों को पूर्णतः भिन्न था, यानी कि डिबेंचर तो था कंपनी के लिए, उसके होने बाद क्रेडिटर में ऋण की राशि में उसको प्रेफरेंस मिले बिकॉज वो ही वाज़ अ डिबेंचर, उसने कंपनी को ऋण दिया था जब कंपनी वाज इन नॉट इन जब कंपनी को एग्जिस्टेंस में नहीं थी, कंपनी चलानी थी तो उसने कंपनी को ऋण दिया था। तो इस हिसाब से उस शेयर होल्डर से जो कंपनी के बाकी क्रेडिटर्स हैं उनके ऊपर उसको प्रेफरेंस मिली। तो इंग्लैंड हाउस ऑफ लॉर्ड ने सोलेमन को उसके जो क्रेडिटर्स हैं उसके कंपैरिजन में प्रेफरेंस दे दी। ये इसलिए क्योंकि क्योंकि जो कंपनी है बिकॉज इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट में से कंपनी में ये डिफरेंस है, कंपनी कैन बी अ सेपरेट लीगल एंटिटी, तो कंपनी इज़ ए सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सोलेमन का पर्सनल बिजनेस था वो, उसने कंपनी खोली, दैट डजेंट मैटर, ठीक है। तो ये केस का रेफरेंस सोलेमन वर्सेस सोलेमन का आप मैं बता सकते, आप लोग बोल सकते हो, बता सकते हो। तो अब मैं बता रहा वेल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी कब ये लिफ्ट, वेल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी हैज़ टू बी लिफ्टेड व्हेन सिचुएशन अराइज वेयर द कोर्ट कॉल्ड अपॉन टू डिसाइड एज टू हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्टेन एक्ट्स आर ओमिशन ऑफ द कंपनी, राइट। इसका केस है टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कंपनी वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1965. The discretion of the court in this matter of lifting of corporation of wall will however depends on the underlying social economical politics. क्या social economic politics है उसके बिहार पे lifting of corporate, जैसे कि ये सोलेमन वर्सेज सोलेमन केस में आपने देखा, ठीक है। तो कोर्ट को ये पता कि ये lifting of corporate veil की नेसेसिटी है नहीं है, ये कोर्ट सोशल इकोनॉमिक इकोनॉमिक कंडीशंस को देखने के बाद उसको डिसाइड करेगा। सो नाउ वी हैव कवर्ड द टू टॉपिक, वन इज द लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, अनदर इज इम्पॉर्टेंट फीचर्स अंडर द कंपनी लॉ। लेक्चर वन में हमने डेफिनेशंस ऑफ द कंपनी लॉ, मीनिंग ऑफ कंपनी लॉ कवर कर दिया है। सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब अस एंड बेल के आइकन को दबाना मत भूलिए इफ़ यू वॉन्टेड अस टू डिलीवर these kind of lectures to you. We have created very short and these lectures in very short definitions because agar aap book mein dekhenge to there is a lot of things and for exam purpose we can't go for books if you have not read it before. So I hope aap logo exam ke liye kafi important hai ye lecture. So please keep watching our channel, please keep subscribing us for our latest videos. Thanks a lot.